हाय एवरीवन तो आज हम लोग देखने वाले हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.32 तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर चार्ज्ड यूनिफॉर्मली विद सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा तो एक मेरे पास में हॉलो हेमिसफियर है जिसमें चार्ज जो कहाँ पे लोकेटेड है चार्ज लोकेटेड है इसके सर्फेस पे अगर चार्ज सर्फेस पे है दैट मीन्स मैं इसको एज अ होलो हेमिसफियर ट्रीट कर सकता हूँ क्योंकि हम लोगों को क्या मतलब है हम लोगों को चार्ज का लोकेशन से मतलब है हमें मास कहाँ पे लोकेटेड है उससे मतलब नहीं है चार्ज कहाँ पे है चार्ज सरफेस पे है दैट मीन्स हम लोग इसको एज अ फॉलो एमोस्फियर ट्रीट कर सकते हैं और इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल मतलब इसमें मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर इसके सेंटर सपोज सी है तो इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे दैट मीन्स स्ट्रेंथ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो अगर ये एक चार्ज uh, की तरह अगर हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं दैट चार्ज एट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें हम लोग एक रिंग एलिमेंट करेंगे जैसा कि हम लोग करते हैं और रिंग एलिमेंट की वजह से हम लोग देखेंगे कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और फिर बा, बाकी इंटीग्रेट करके हम लोग उसको जोड़ सकते हैं उसी तरह से अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल के लिए तो पोटेंशियल के लिए भी हम लोग रिंग एलिमेंट कंसिडर करके सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे सारे एलिमेंट्स के लिए तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर पुराना पुरानी बात अगर याद हो तो एक रिंग के लिए एक अगर मैं एक रिंग कंसिडर करता हूं बात करूं पे डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती थी वो इस डायरेक्शन में हमने देखा था और इसकी जो वैल्यू होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी अगर इसका रेडियस आर इस रिंग रिंग का रेडियस इज आर तो हम लोग लिखते थे इसको के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वा प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर थ्री बाई टू और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहां से आता था ये इसकी डिस्टेंस हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस होती थी यहां से ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहां से आता था ठीक है तो ये बेसिकली मुझे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती थी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट सेंटर तो यहां पे भी हम लोग इसी तरह का एक देखो रिंग एलिमेंट यहाँ कंसिडर करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ से एक सपोज इस तरह का रिंग एलिमेंट कंसिडर किया हमने ये मेरे पास रिंग एलिमेंट है

ये जो रेडियस की जाते हैं तो दिस लेंथ इज एक दिसरा पेन आ गई अब रिंग के सेंटर को देखो तो रिंग का सेंटर कहीं यहां पे होगा ठीक है रिंग के सेंटर सेंटर से से मैं अगर इस लाइन को इसके सेंटर से करता हूं तो दिस इज माय सपोज रिंग का सेंटर वो पूरे पीछे की, भी पूरे पीछे की तरफ भी ऐसा पूरा कंप्लीट रिंग है जो तो सामने बस दिख रहा है तुमको वो आधा पार्ट दिख रहा है उसके पीछे भी कंप्लीट कंप्लीट रिंग होगी और उसकी वजह से मैं सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो बस हम लोग ये यूज करेंगे Uh, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस रिंग में चार्ज कितना है तो हम लोग बोलते हैं डी क्यू चार्ज है और डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू इसका एरिया अब इसका एरिया कितना हो जाएगा देखो ये जो लेंथ है अगर हम लोग देखें दिस इफ दिस इज थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा तो दिस इज थीटा तो आर का कॉस थीटा इज द इज दिस लेंथ आर कॉस थीटा तो सिग्मा आ, एरिया दैट इज पाई आ,

तो ये जो नीचे वाला टर्म है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फॉर्मूले में वो हो जाएगा दिस विल बी सिंपली आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर थ्री बाई टू ठीक है तो बस मैं यहां इसका काम खत्म हो गया ये हम लोग यहां से हटा देते हैं अब बस मुझे इसको इंटीग्रेट करना है बहुत ही ईजी इंटीग्रेशन है तो देखो नीचे वाला जो टर्म है आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर थ्री बाई टू दैट विल बी ये हो जाएगा आर क्यूब सिंपली दिस विल बी आर क्यूब तो आर क्यूब है और ये आर क्यूब से ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा इंटू टू पाई को मैं लिख सकता हूँ डी को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिग्मा, यह सिग्मा और थीटा साइन थीटा डी थीटा थीटा साइन थीटा डी थीटा अभी एक चीज हम लोग बनाएंगे इसमें देखो एक काम करते हैं ये जो टू टू को है ना इस टू को मैं इधर ले जाता हूँ टू cos थीटा साइन थीटा डी थीटा ठीक है तो ये मेरे पास बन गया सिग्मा पाई अपॉन फोर पाई नॉट दिस एपसेज वॉट टू साइन थीटा, थीटा, तो दिया अब इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी देखो स्टार्टिंग में थीटा कहां से कहां तक वेरी है जीरो डिग्री से वेरी करेगा ये पाई बाई टू तक यहां पे जिससे कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए हेमिस्फीयर हमारा तो जीरो से लेके ये पाई बाई टू तक जाएगा और

तो सपोज ओ मेरे पास यहां पे सेंटर है इस पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग तो देखो इस रिंग के एक अगर हम लोग नॉर्मल पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट आर पे हम लोग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं केक्यू बाई आर अब रिंग पे रिंग पे जितना जो भी चार्ज है हर एक चार्ज की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ओ दैट इज व्हाट दैट इज सिंपली कैपिटल आर क्योंकि देखो रिंग के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस रिंग के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस एक अगर हम लोग यहाँ से रिंग देख रहे हैं ना रिंग के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है कैपिटल आर है ना तो ये जो आर है इस केस में दिस विल बी कैपिटल आर हो जाएगा और क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा दिस विल बी तो एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से जो भी हमने डी क्यू एलिमेंट चूज किया उसकी वजह से पोटेंशियल सेंटर पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं छोटा पोटेंशियल डी वी लिखते हैं और इसको अगर हमें इंटीग्रेट कर दूं कंप्लीट कंप्लीट हेमिस्फीयर के लिए तो हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी थीटा बेसिकली डी क्यू थीटा के टर्म्स में तो जीरो से

Uh, सिग्मा भी कॉन्स्टेंट है सिग्मा आर स्क्वायर भी धर ले आते हैं ठीक है और इंटीग्रल ऑफ़ जीरो सेन अपॉन टू थीटा, थीटा। तो 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 से तो एप्सलेंट नॉट और ये आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा और सिग्मा ऊपर है ना तो और एक आर ऊपर बचा हुआ तो सिग्मा इन आर अपॉन टू एप्सलन नॉट दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर तो दिस वैल्यू इज सिग्मा आर अपॉन टू एप्सल नॉट तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं तो so होप आपको ये समझ में आया होगा थैंक यू सो मच